हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? हमने कनाडा में नया घर लिया है जी, और आज हमारे घर की हाउस वार्मिंग सेरेमनी है। तो आज के एपिसोड का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा, जिसे कि हम देसी बोलते हैं, उन्होंने सात समुंदर पार आके भी अपने इंडियन कल्चर को कैसे मेंटेन किया हुआ है। इंडियन कॉन्टिनेंट की पब्लिक में एक ये कस्टम है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें अपने अपने फेथ के अकॉर्डिंगली अपने इष्ट को घर में प्रवेश कराया जाता है। आज हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ गुरुद्वारा साहब से यहाँ आएगी, और आज हमारे घर में होगा जी सुखमनी साहब का पाठ। जैसे कि इंडिया में होता है वैसे बिल्कुल उसी तरीके से गुरुद्वारा साहब से भीड़ आएगी, ग्रंथी साहिबान आएंगे और कीर्तन और पाठ के अलावा हमारे क्लोज रिलेटिव्स जिन्हें कि हमने इन्वाइट किया है उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी होगी और एक सोशल गेट टुगेदर होगा। तो जहाँ तक कैटरिंग का इंतजाम है वे भी हमारा पूरा जैसे इंडिया में होता है वैसे ही होगा। हमने कैटरिंग के लिए टाई अप किया है कि एक इंडियन फीमेल है जो कि पंजाब की रहने वाली है, और ऑन माय पार्ट मैंने ये एथनिक ड्रेस पहनी है जी। आज कनाडा में टेम्परेचर है जी +2 के आसपास है, लेकिन फिर भी मैंने ये एथनिक ड्रेस पहनी हुई है। आइए मेरे साथ और प्लीज एंटर तक जरूर देखना इसे। ज्ञानी सदा सजात ब्रह्म ज्ञानी परिवार ने शुकराना करते हुए सतगुरु के पावन स्वरूप अपने ग्रह विखे जा करके ग्रहों को पवित्र करवाया है। वाहेगुरु दुख लेत हमारा स्वामी सत सुख बहर सुख माया वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दर्शन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दलवत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु पातशाह सिर शांत शाह जिस पास बैठिया सोई रहे कोटि कोटि धन्यवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन
हाउस वार्मिंग सेरेमनी वेलकमिंग Satnam Hare Guru Satnam.